गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वॉचिंग कशिश ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड गाइज अब मैं फिर से रात को ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, वो भी अपने इतना अमेजिंग से ब्यूटीफुल से टैटू के साथ गाइज। और आज है कोमल का बर्थडे, बट अभी 9 मिनट है कोमल का बर्थडे लगने में। तो गाइज हम लोग केक वगैरह लेकर आए थे, बट अंशु गया था तो ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाए। बाकी गाइज कोमल रात को हमारे साथ ही सोती है, आप लोगों ने नॉर्मली ब्लॉग्स में भी देखा होगा। तो बट अभी कोमल आई नहीं है, 9:08 है अभी। मेबी हम केक लेकर आए हैं, बट गाइज केक थोड़ा ना मतलब ढूंढने में प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि अभी नवरात्र है, मोस्टली केक में अंडे वगैरह रहते हैं। छोटा भी इसलिए मंगाया ना मैंने, क्योंकि कोई खाएगा नहीं। हम लोग भी नहीं खाएंगे गाइस, क्योंकि केक में अंडा रहता है। और कल अष्टमी करने के बाद हम लोग भी, हाँ अष्टमी करने के बाद हमने सोचा कि मे बी हम अष्टमी हम कल करते हैं, तो हम उसके बाद प्याज खा लेते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा है कि हम कल मे बी सम्राट जाए या फिर घर पर ही प्लान करें कुछ। घर पर प्लान करेंगे, सम्राट में जाएंगे वहाँ नॉनवेज भी होगा ना। अभी तो नवमी तक बाबू अष्टमी है, ठीक है अष्टमी, हम ही तो अष्टमी करते हैं, जो नौमी करते हैं उनका तो कल भी फास्ट है, माता का व्रत तो कल भी है ना, तो हम बाहर नहीं जाएंगे, घर पे ही करेंगे। पे ही बट गाइस कल को मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाना है, तो उसने सुबह ही बोल दिया था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊंगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो हम घर पे ही प्लान करते हैं क्या करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। बट अभी केक कटिंग जो करनी है उसके लिए हम लोग केक वगैरह रेडी करते हैं, एंड उसके बाद कोमल को बुला के लाएंगे और आपसे मिलेंगे। एंड गाइज मेरा ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी टैटू, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसे एकदम ओरिजिनल लुक दे रहा है मुझे तो ना गाइज, इससे प्यार ही हो गया है गाइज। काश मैं बड़ी हो जाऊँ जल्दी जल्दी और फिर मैं एक परमानेंट टैटू बनवा लूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 10 और फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अभी मैं केक वगैरह लेकर आती हूँ, कोमल को बुलाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये देखो अंशु गाइज केक लेकर आया, तो अंशु अपने आप, अंशु को चॉकलेट ट्रफल केक्स पसंद है और गाइज मुझे पाइन एप्पल बटर स्कॉच पसंद है, तो वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गाइज देखना ये चॉकलेट केक लेकर आया। एंड मुझे नहीं लगता कि गाइज ये अगलेस होगा, है नो ना? आपको क्या लगता है का है, उसे है या नहीं है? मैंने पूछा नहीं, इसको देख, इसको दिखाना इसको कितना काटने की पड़ रही है। क्या नहीं केक का गाइस, इसको केक काटना है, देखना। छोड़ दो यार इतना टेढ़ा हो गया, ये पड़ा हुआ मेरे पास। नहीं वो कोमल, कोमल दीदी का, कोमल दीदी का। नोना चलो कोमल को लेके आए, नोना हम दोनों कोमल को लेके आते हैं। हैप्पी बर्थडे माय कोमल, थैंक यू। नोना कोमल को बर्थडे विश करो, कोमल को बर्थडे विश कर, थैंक यू, बर्थडे विश कर कोमल। मेरी बच्ची को ऐसे ही बोलना था, कोमल को जन्मदिन मुबारक हो। चलो कहाँ जा रहे हो कोमल? हैप्पी जन्म दिवस की शुभकामनाएं। तब से नोना को वेट नहीं हो रहा केक काटने के लिए। तो बच्चों आज है कोमल का बर्थडे, तो नवरात्र की वजह से हम ज्यादा कुछ हम केक खाते नहीं, तो छोटा केक खाए हैं। गाइस कोमल की मम्मी आंटी हेलो करो, और ये कोमल का भाई मेंटल, मेंटल कोमल चल केक कट करें। अंडे वाले नहीं मिल रहे थे बिना अंडे के, ये अच्छा बिना अंडे का, पक्का बिना अंडे का नहीं मिल रहा। चलो क्या पंखा, हाँ पंखा बंद करो, कैंडल्स जलाओ फिर करते हैं। आंटी जाओ उधर जाओ, आ जाओ। अच्छा म्यूट है, हाथ तो जला दे। बच्चे बोल रहे हैं म्यूट है। गाइस मैं एक मिनट माचिस लेकर आती हूँ। चलो कोमल्स फ्लो दी कैंडल, उसको छोड़ लो केक कटवा ले पहले, आ जाओ मम्मी कटवा रही है ना। नोना नोना तो हर किसी का केक कटवाएगी। एक मिनट आप ऐसे पकड़ो, एक मिनट। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा रील भी बनाओ भाई इनकी। अरे मेरे पास है नहीं ना इसमें। क्या नहीं है? मेरे पास है नहीं ना, मैं डाल दूँ। कोमल हम केक खाने के लिए बैठे हैं, तू केक काट यार। आवाज नहीं आ रही भाई, फोन खराब है तो ये चेंज क्यों नहीं कर रहे? मैं व्लॉग ले रही हूँ ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। आंटी ताली बजाओ, शिवम ताली बजा, नहीं बजाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, देगी तब मेरी अम्मा, ये तो जिंदगी नहीं। वो ये खा रही है, खाने लग गई। देख आंटी देखो, कोमल को खिलाना था नोना। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, कोमल हैप्पी बर्थडे फिर से। गाइस कोमल और मैं कह रही है थैंक यू फिर से। गाइस कोमल मैं और मम्मी तो आज पता नहीं कब से उठी हुई हैं, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा आज अष्टमी है, हम लोग अष्टमी करते हैं, तो कंजकाई बिठानी होती है, तो गाइस मम्मी को बनाना होता है इतना सारा खाना, तो मम्मी उठ जाती हैं जल्दी, और आज मम्मी ने हम लोगों को भी जल्दी उठाया। मैं पहले सुबह 6 बजे उठी थी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है गाइस आज, तो नींद ही नहीं आ रही थी उस वजह से। फिर मैं वापस थोड़ी देर में मतलब 6:30-7 की,
6:30-7 के अराउंड में सोई थी, बट फिर मैं दोबारा उठ गई थी 8:49 पे मैं उठी थी, क्योंकि गाइस मैं जैसे ही उठी थी ना, मैंने ना वैसे ही टाइम देखा था कि मैं कितने बजे उठ गई हूँ, तो तब 8:49 हो रहे थे। और जब मैं उठ के आई तो मैंने देखा कोमल और मम्मी तो भाई साहब काम में लगे पड़े हैं, कोमल और मम्मी काम पे लगे पड़े थे और बहुत सारी तैयारियाँ इन्होंने कर भी ली थी। एंड गाइस मम्मी ने क्या क्या बनाया मैं आपको बताती हूँ। एक मम्मी ने बनाई आलू की सब्जी और क्या बना पेठा, मम्मी के क्या बोलते हैं उसको पेठा, सीताफल की सब्जी बनाई है। पर ये क्यों बनाई है मैं पूछ रही हूँ, तो मम्मी कह रही है बच्चे आलू पूड़ी खा खा के बोर हो जाते हैं, कुछ अलग होना चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक की जगह, जैसे हम बच्चों को कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक की जगह बच्चों को रायता मिलेगा और चने। और मम्मी कह रही है खीर भी बनाई है मम्मी ने, क्योंकि गाइस वो कल पुनीत की डिमांड थी, वो कह रहा उसके बहुत सारे बर्तन यहाँ रखे हुए थे, तो वो कह रहा मेरे सारे बर्तनों में ना कल खीर बन के भर के दे देना। तो खीर का कोई प्लान नहीं था, बट हाँ फिर हम मम्मी ने बना ली खीर भी। हाँ गाइस मम्मी ने कहा है वैसे माता का प्रसाद होता है हलवा एंड चने, तो मेन जो होता है बच्चों को भोग लगाने के लिए कंचकाओं को हलवा एंड चने होता है। तो गाइस बच्चे इतने सारे घर में जाते हैं कंचकाए जीमने के लिए, हाँ जीमने के लिए, तो ना सब जगह वो लोग आलू पूड़ी खाते हैं, तो वो बोर हो जाते होंगे। तो मम्मी ने कहा अगली बार से कंचकाओं पे मम्मी मटर पनीर और चाप या फिर शाही पनीर कुछ इस टाइप से बनाया करेगी, राजमा या फिर और पूड़ी कर देंगी, आलू गोभी कर देंगी, और मेन प्रसाद जो हलवा चने होता है हलवा चने रखेंगी, बाकी चेंज कर देंगी, क्योंकि बच्चे और घर में यही सब खा खा के बोर हो जाते हैं। तो मम्मी ने बोला कि अगली बार से वो कुछ इस टाइप का प्लान करेंगी कंचकाओं में। हमने कहा ओके चलो, बाकी अभी गाइस मम्मी लगी पड़ी है हलवा बनाना है अभी, बाकी गाइस और आपने लास्ट टाइम भी देखा हो कितनी सारी कंचकाएं खुद आ जाते हैं, हम एक दो को बुलाने जाते हैं और फिर हम उन्हें बोलते हैं अपनी पलटन लेके आ दो, तो वो सारी पलटन, और फिर वो आके सारे बच्चे मुझे ऐसा दीदी हम आपके फैन हैं, आपके ब्लॉग देखते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, दीदी ब्लॉग में नहीं लोगी हमें, दीदी वीडियो बना लो, हम तो ना दीदी पहले से ही बाहर घूम रहे थे कि हाँ हमें तो कशिश दीदी के घर जाना है कंचकाओं के लिए, तो तुम याद आओ फिर बैठो, फिर सारे दीदी फोटो ले वीडियो ले। वो इतने छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, और छोटे छोटे से बच्चों को भी गाइस मेरा नाम पता होता है, हाँ कशिश नाम है दीदी का, इनके ब्लॉग में आना है, इनकी वीडियो देखते हैं हम, दीदी कशिश दीदी ये भी आपकी वीडियो देखती है, इतने छोटे छोटे से बच्चे आते हैं दीदी मैं भी आपकी वीडियो देखती हूँ, मैंने कहा सही है बताओ। और अभी मम्मी बना रही है गाइस, हम कोल्ड ड्रिंक की जगह भी रायता देने वाले हैं, इस बार रायता बनाया खांसी कर रहे थे, मम्मी पूरा ध्यान रखेगी बच्चों का, बाकी बहुत सारी अरेंजमेंट्स होगी, मैं आपको दवाई भी रखने लग जाएंगी खांसी करते दवाई भी रखेंगी ना क्योंकि जैसा माता रानी हमें खाने को देती है हमें पहनने को देती है हमें वैसे ही करना चाहिए। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं रोज रोज एक दिन में 10 बार हलवा चने और सब्जी नहीं खा सकती, वही आलू की सब्जी पूरी, तो मैं नेक्स्ट टाइम चेंज करने की सोच रही हूँ, क्योंकि भाई मेरे को भी बोर लगता है, माता को भी तो लगता होगा यार इन लोगों को कोई और चीज़ नहीं बनानी आती जो यही भोग लगाते हैं। बात करो ना फिर सब लोग को याद लग जाएगा। हाँ हलवा चने तो बनेगा ही, मेन भोग मैंने अपने ब्लॉग में बताया वही है, लेकिन साथ में मैं राजमा कभी शाही पनीर कभी कुछ चेंज कर दूंगी, बच्चे भी अब जाते हैं कितने बड़े बड़े बर्तनों में खाना बना रही है। गाइस देखो ये आलू मम्मी ने बॉईल करके रखे हैं, कोमल और मैंने छिल दिए ये आलू यहाँ बैठे बैठे, और ये क्या है पर ये पेठा काट के, तो गाइस मम्मी ने पेठा तो बना भी दिया और ये बनाना है अभी आलू की सब्जी, बाकी चलो किचन की तरफ चलते हैं। बाकी गाइस ये देखना, ये मम्मी दूध उबाल रहे हो खीर के लिए, और ये आलू की सब्जी बनेगी, फिर इसी को रितालूंगी, इसी में हलवा बनेगा। इतने बड़े बर्तन में आलू की सब्जी बनाओगे तो सब्जी ज्यादा नहीं है क्या? सब्जी ज्यादा भी लगती है वैसे। बाकी गाइस यहाँ पर सब्जी वरना बिना टेस्ट करे कितनी मतलब मजे की बात होती है, कि बिना टेस्ट करे हम लोगों का अंदाजा प्रसाद के टाइम पे सभी के यहाँ ये होता है, मैंने देखा है बिना टेस्ट करे वो लोग इक्वल बनता है। गाइस पूरा फैल रखा है, मम्मी इतना कुछ बना रही है और मम्मी ने भर रखा है पूरा अच्छे से, गाइस जब बन जाएगा तब सारा और दिखाएंगे आपको ना। तो सब्जी भी रेडी हो चुकी है अभी यहाँ पे, मम्मी रेडी है, इसमें कौन सी सब्जी है? सब्जी मैं बता रही हूँ रेडी हो गया, यहाँ पे मम्मी हलवा कर रही है, क्योंकि गाइस ना बड़े बड़े बर्तन मिल नहीं पा रहे, हलवा छोले सब बड़े बड़े बर्तन में बने हैं, लेकिन फिर बहुत देर लगेगी इसलिए छोटे में ढूंढ रही हूँ। तो हमारे यहाँ ना बच्चों एक चीज की कमी है, हमारे यहाँ पे ना बड़े वाला वो चूल्हा जो है ना वो खराब हो गया, तो मैं उसको सही करवाऊंगी, उसमें क्या है ना जल्दी काम हो जाता है पर कोई हेल्प कर दे पकड़ाता रहे सामान। तो बाकी गाइस देखो अभी हलवा बनने की प्रिपरेशन चल रही है, और यहाँ पे मम्मी ने छोले भी रख दिए गाइस,
देखो सब्जी तो बन भी चुकी है। हाँ कोमल न्यूज़पेपर देख ले बाबू। और इसमें क्या है? आटा, आटा। अच्छा गाइस इसमें आटा लगाया मम्मी ने। ये देखो काम चल रहा है। ये मखाने बहुत अच्छे लगते हैं फ्राई करके, खाने का मन कर रहा है पर खाने नहीं है अभी। एंड ये दूध। और गाइस छोले तो अभी और बनेंगे, ये थोड़े ही छोले बने हैं बट गाइस बर्तन छोटे छोटे की वजह से दो 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 बार सब कुछ बनाना पड़ रहा है। हलवा रेडी हो चुका है एंड यहाँ पे अभी तो बर्तन मम्मी बन रही है खीर बना रही है। बहुत ही बड़े काम है ये खीर तो तुमने जबरदस्ती मेरे को खेती है। निशी को भी पसंद है गाइस, पुनीत को भी पसंद है तो हमने सोचा बन रही है तो हम भी खा लेंगे। चलो तो ये देखो अभी यहाँ पे मम्मी ने रखी बूंदी भिगो के, यहाँ पे मम्मी दही कर रही है। और मम्मी मुझे सच में ऐसा फील आ रहा है कि कंचकाओं के लिए भंडारा का खाना बन रहा है। भंडारा ही है, कंचकाओं के लिए भंडारा ही बन रहा है और क्या हो रहा है। और इसमें से कुछ भी नहीं बचता है गाइस। हाँ वैसे ये बात तो है हमारे, जैसे हम जब भी कंचकाओं के लिए खाना बनाते हैं बचता कुछ भी नहीं एट द एंड ना हमारे घर वालों को। जैसे हम एट द एंड लास्ट में हम लोग खाते हैं खाना, ये जो मम्मी ने प्रसाद बनाया होता है तो ये गाइस हमें पूरा पड़ता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो ख़त्म हो ही जाता है। एंड आज सबसे अच्छी बात यह है कि गाइस रायता भी बन रहा है, वो मुझे रायता बहुत ज़्यादा पसंद है तो सारा रायता तो मैं ही पी जाऊँगी गाइस। मम्मी हो सकता है ना बच्चों का गला रायते से भी ख़राब हो जाए, राजमा हो जाता है ना थोड़ा बच्चों खाने में इजी रहता है। तो ये देखो हमारी कंजक उठ गई सबसे पहली वाली। नोना मासी ने सोचा था मासी आपको बहुत सारे घर लेके जाएगी कंजक खिलाने, फिर मासी सारे 10-10 रुपए इकट्ठे करके चिज्जी खाती, पर आप इतनी देर से सो के उठे हो ना मासी की सारी कंजकाएं निकल गई। गई मेरी बच्ची उठ गई छोक के मेरी प्यारी। क्या हुआ गई जब अभी सो के उठी है, जस्ट इतनी देर से सोई हुई थी ये, मैंने सोचा था इसको लेके जाऊंगी सबके घरों में। पता है आपको सुबह से कितने सारे लोग आए थे, नोना को भेज दो नोना को भेज दो, पर नोना तो स्लीपिंग कर रही थी तो सब लोग नोना की कंचकाएं घर पे ही दे गए। ओके मेरा बेटा। तो छोले भी बन के हो चुके हैं रेडी यहाँ पर। एंड छोले मतलब सब्जी से ज़्यादा छोले पूड़ी खाओ ना वो ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस मुझे तो। आपको क्या लगता है वैसे कंचकाओं के लिए जो भी खाना बनता है आपको उसमें क्या अच्छा लगता है कमेंट करके बताना। एंड लास्ट जब बस पूड़ी बनाने का वेट है तो ये मम्मी ने कढ़ाई रखी है, अभी तेल गरम करेंगे फिर पूड़ी बनाएंगे। और अभी मैं जा रही हूँ बच्चे ढूंढने गाइस। और अभी यहाँ पर सब कुछ हो चुका है रेडी। इसमें है गाइस बूंदी, अभी रायते में डालेंगे। पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि गाइस ये फिर बहुत ज़्यादा ही पिघल जाता है। इसमें गाइस खीर बनी है, इसमें है गाइस हलवा, और इसमें है गाइस सीताफल की सब्जी, और इसमें दूसरी आलू की सब्जी है, और बाकी पूड़ी रेडी हो रही है और छोले अभी आएंगे गाइस यहीं पर। ये देखो यहाँ पे इतनी सारी पूड़ी है मम्मी गाइस, ये दूसरा आटा है गाइस मम्मी ने दूसरी बार गूंदा है, और ये फिर मम्मी ने गोले बना बना के दिए। और ये देखो गाइस पूड़ी के लिए कितना सारा ये कर करके रखा है। वो हार्ट शेप की पूड़ी कहाँ गई गाइस? हार्ट शेप की पूड़ी गाइस पुनीत ने बनाई है, इसलिए कर करके रख रहे हैं। तेरे बच्चे एकदम बैठे रहते हैं ना तो होता है पूरा सब प्रिपेरेशन। हाँ गाइस फिर ना जैसे अगर तब के तब पूरे गोले वोले बना के कर रहे हो फिर बच्चे कहते हैं आंटी पूड़ी दीदी पूड़ी, फिर वेट करना पड़ता है। देखो आप देखो लड़कियों को पूड़ी मिलनी नहीं आ रही, पुनीत पूड़ी मिल रहा है, देखो क्या हाल है हमारे घर। वहाँ पे वहाँ पे आ जाओ सुनो। चलो गाइस मैं बच्चों को मैं भी पूड़ियाँ रेडी कर रही है मम्मी, अभी फटाफट से रेडी कर रही है पूड़ियाँ, नहा धो रही हूँ। अरे मतलब तैयार हो रही है पूड़ियाँ तो लिपस्टिक, और बाकी गाइस बच्चे भी आ गए, मैं आपको दिखाती हूँ। आओ खाना यहाँ पे रेडी है, बच्चे भी आ गए। दुर्गा बाल तो आगे कर ले। लो साइड है बाबू नोना, पुनीत उसने नहीं लगाया नोना ने। गंजी नहीं, गंजी खराब कर लिया तूने। नहीं नहीं छोड़ दो इसे। अच्छा बस कटोरी दे दो, कटोरी दे दो इसे। किन्ना एक चम्मच भी ला दियो, कटोरी चम्मच बजाएगी ये बैठ के। तुम आ क्यों छुप रही है? थो तुझसे क्या कह रही है? नोना ले लो। पूरी टेढ़ा लगाया आपने, सीधा आया बोल। अपने भी लगा, अपने भी लगा। पुनीत सब बच्चों को कलावा बांध रहे हैं, नोना को देखो।
नोना आप क्या कर रहे हो? गाइस इसका अलग ही चलता है। लो लो गाइस हमने इतनी बड़ी कंजक बुलाई जीवने के लिए, देखो पूरा तैयार श्यार हो गई। मैम वहाँ बैठ जाओ आप, मैम आप यहाँ बैठ जाओ या आप ऊपर सेट हो जाओ। मैम मैम आप ये क्या लाए हो? नोना की कंजक। नोना की कंजक है ये, यही रखे थे बच्चे वो आपके पीछे, आपके पीछे। अच्छी अच्छी हमारा दुर्गा प्लेट रख ले, घर लेके जाएगी प्लेट। वही तो मैं भी बहुत मेहनती लड़का है। ओए मारी हट, उनके घर चलेंगे हट। ओ नहीं गाइस तो यहाँ पे फ्रेंड एंड पुनीत कर रहे हैं सर्व। गाइस मेरी थोड़ी एक्चुअली तबीयत ख़राब है तो मैंने सोचा कि, और मैं ना सुबह से गाइस बहुत ज़्यादा पेन में भी हूँ, तो मैंने कहा चलो आज इनको काम करने का मौका देते हैं। बेड पे रखा है फ़ोन। और बच्चों चलो टेस्ट करके अच्छा बच्चों चलो टेस्ट करके बताओ कैसा बना है सब कुछ। खाओ फटाफट, बहुत बढ़िया। ये क्या है? भोग। हाँ अच्छा, हाय कर दो चलो सारे। हाय गाइस, कोमल बच्चों से बदतमीजी मत कर, मारूंगी ना तेरे को। गाइस ये कोमल बहुत लड़ाका होती जा रही है आजकल। ओए नोना को, अच्छा मैं नोना की प्लेट भी लगाती हूँ। पूड़ी चाहिए किसी को? हाल लेके आना पूड़ी, बन रही है। किन्नर रायता उठा उठा के एक एक दे दे सब बच्चों को। चल दिए ले, तू पकड़ पहले, ले ले तू खा पहले। इसमें डालने सब नोना बैठी है ना, मैं नहीं डालूंगी, वो प्रीतिया डाल के देंगे। अरे पत्ता लाओ बस छोटा वाला। बच्चों गिराना मत रायता वायता, ठीक है आराम से पीना। नहीं तो आईने गिरा दी, मिट्टी के गिरानी कोई नहीं, पुनीत भैया का कर देंगे। बच्चों को पुनीत आराम से खा रहा मैं बेटा। हाँ मुंह मत जला लेना, खीर भी गर्म है, आराम आराम से खाना। बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे हैं। कितना बच्चे गिरा रहे बाबू, बस कर। कौन मांग? मम्मी और पुनीत कर रहे हैं खाना। देखो कितना मम्मी को उठा के। बस हो गया, मैंने तो बहुत भारी हो गए, तो बहुत ज्यादा। बस चलो अब बस कर दो, मम्मी मांग रही है। गाइस ये बच्चों के गिफ्ट्स। पुनः साइड आ जाओ अब जरा मिल। अच्छा जी खाना हो, खाना कर लो, जब सबका कंप्लीट हो जाए तब बता देना। हो गया क्यों? चलो भाई खाना। सुन सुन चम्मच सिर्फ घर में रख, बाकी प्लेट क्या करना है? जयकारा लगा दो फिर। जोर से बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। तू भी बोल जय माता दी। जय माता दी। दुर्गा ने सबसे ज्यादा लगाई, यही नहीं बोल रही। नोना को दे, मम्मी को दे दे। नोना भी बोलेगी। नोना जोर से बोलो जय माता दी। 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 प्रेम से रह गया था ना तो इसलिए बोल रहे हैं ना।
चलो भाई अब बच्चों को गिफ्ट दे दो, पुनीत दे दो, पैसे दे दो, और बेटा प्लीज एकदम से ऐसे उठ के मत जाना, एक एक करके जाना, देखो किसी की भी प्लेट ना गिरे ना, आराम से यहाँ से एक एक करके उठना, नहीं नहीं पहले गिफ्ट, अभी रुक जाओ ना, सबको गिफ्ट दे दे, पैसे दे दो, दो सखियाँ कौन है, गाइस हम गिफ्ट्स के लेकर आए थे, ये देखो ये दुर्गा ने बोतल नीचे ये दुर्गा स्कूल ये अपना टाइम आया 10-10 रुपए कर लेना ठीक है पंकु इशू गाइस कलर को लेके लड़ाई होते हुए लड़कियां पकड़ी गई बस अरदास करो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से गिफ्ट आए दीदी लोगों का चैनल अच्छे से चले कितने बच्चे देखते हैं दीदी के चैनल टीवी में देखते हो गुड आप लोगों को नहीं पता बाकी लोग किसका देखते हो किस नाम से है दोनों का चैनल अरे वाह इसको तो पता भी कशिश और प्रेम नाम लोग के नाम से अच्छा पुलिस को होती है मेरा भी है मेरा भी है तेरा भी क्या बात होती है भाई अरे ऋषि ओ ऋषि गाइस प्रेरणा बच्चे मम्मी डैडा व्लॉग देखते हैं यहाँ पे मैंने बोला किस किस का व्लॉग देख रहे हो ये प्रेरणा व्लॉग कशिश वो पीछे से कह रही है पुलिस भी और मम्मी डैडा व्लॉग भी देखते हैं सारे बच्चे वाले दुर्गा तू आ गई ऊपर वाले बच्चे रह गए बच्चे जा रहे हैं अब बैठ जाओ अभी बैठ जाओ गाइस पुनीत को देखना हाँ बेटा एक एक करके आना ना फिर खाना गिर जाता है ना रुक जाओ एक एक करके जाना अपनी चप्पल पहन लो आराम बाबू बाबू ये किसका भाई लग रहा है वन बाय वन 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 बेटा प्लेट गिरेगी सही से पकड़ो आ जाओ जो ज्यादा जल्दी करेगा मैं फोटो छीन लूंगी इसकी और पैसे भी दीदी ये वाली छीन लो सारे बच्चे चले गए यहाँ पे मेरी कंजक मेरे पास है नो नो किन्ना बाबू किन्ना सुन ये प्लास्टिक की ग्लास उठ मैं पन्नी लाके देती हूँ रुक उसमें भरियो रुक जा बच्चों के वो तो देखो बच्चे कह रहे हैं आपके चैनल ज्यादा चले आपको लाइक सब्सक्राइब ज्यादा है नोना आ जाओ आप भी मेरी नोना ये सारी कंचकाएं चली गई है घर एंड ब्लॉग फिर से लेट हो गया गाइस क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए यही वाला ब्लॉग शूट करने वाली हूँ तो चलो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड पेपर है आज उसका और आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ और तब तक के लिए आप ये वाला वीडियो एंजॉय करना लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बाय गाइस लव यू